गुड आफ्टरनून। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या तक पढ़ाया था? आर्टिकल नंबर 55 तक पढ़ा दिया था पॉलिटी में, आर्टिकल नंबर 56 तक पढ़ाया था। आर्टिकल क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट में कहां से कहां तक आर्टिकल बताए थे? 52 से 62 तक पढ़ने। राष्ट्रपति में 52 से 62 तक पढ़ने। 52 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 52 में क्या लिखा है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या तक क्लियर था? 53 बताया, 54 बताया, 55 बताया, 55 तक क्लियर था। 55 पे एक बार फिर से देखो, 55 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। रीति बोले तो तरीका, किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है एक तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है, चोरी छिपे होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गुप्त निर्वाचन बोलते हैं। गुप्त निर्वाचन ये चोरी छिपे होता कैसे है? सबसे बड़ी बात कि चोरी छिपे कैसे करा दिया जाता है? जब भारत की प्रत्येक जनता को पता ना चले कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, अंदर से ही इलेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं चोरी छुपे का इलेक्शन। लोगों को नहीं पता चलता है कब इलेक्शन होंगे। समझ में आ रहा है? संसद के जब इलेक्शन होते हैं, सांसदों के जब इलेक्शन होते हैं हमको पता चलता है। जब विधायक का इलेक्शन होता है तो पता चलता है वोट डालने जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालने जाता है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधित्व, हमारे चुने हुए कैंडिडेट वोट डालते हैं। हमारे चुने हुए कैंडिडेट बोले तो विधायक और सांसद। राज्य विधायिका से, राज्य विधानसभाओं से सारे विधायक, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से दिल्ली, पोंडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधायक और सांसद, ये सब लोग मिलके एक कॉलेज सिस्टम बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निर्वाचन मंडल। वो पूरा निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति को क्या करता है? वोट करता है। वो किस प्रकार से वोट करता है वो इस आर्टिकल में दिया हुआ 55 में। वो कैसे वोट करेगा? एक तो राष्ट्रपति को सबसे पहले अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, देखना इसको क्या बोलते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोला है मतलब रेशियो प्रोपोर्शन में, वरीयता के हिसाब से, वरीयता हिसाब से, वरीयता, वरीयता के हिसाब से, वरीयता से के हिसाब से मतलब किसी को हमने बोल दिया 10 लोग हैं, 10 लोगों को तुमको वरीयता देनी है तो 10 को तो वरीयता देनी पड़ेगी। किसी को रखोगे नंबर 1 पे, किसी को रखोगे नंबर 2 पे, किसी 3 पे, तुमको किसी को चुनना नहीं, किसी एक को नहीं चुनना, तुमको सबको वरीयता देनी। समझ में आ रहा है? अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोग खड़े हुए 10 लोग खड़े हुए, अब हमको वरीयता देनी 10 लोगों को। हमको ए ज्यादा समझ में आया उसको पहले स्थान पे रखा, हमको सी दूसरे स्थान पे रखा, हमने ई को पांचवें स्थान पे रख दिया। इसको कहते हैं वरीयता के हिसाब से चुनना। देख रहे हो वरीयता? ठीक है, तो पहला क्या हो गया? प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। और दूसरा जो तरीका है वोट देने का वो है एकल संक्रमणीय। ये स्टार लगा है इसको, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और दूसरा एकल संक्रमणीय पद्धति से। एकल संक्रमणीय पद्धति बोले तो सिंगल प्रेफरेबल वोट, सिंगल प्रेफरेबल वोट,
सिंगल प्रेफरेबल, प्रेफरेबल वोट करेंगे। इसमें एक आपको बैलेट पेपर मिलेगा, सिंगल बैलेट पेपर मिलेगा, एक पेज मिलेगा, सादा पेज, सादा नहीं होगा, उसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे, चुनाव चिन्ह नहीं होगा, नाम लिखे होंगे। पहले पे मान लो ए पे नाम लिखा रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद लिखा हुआ है, रामनाथ कोविंद लिखा हुआ है। दूसरे पे बी पे लिखा हुआ है करण मिश्रा, देखो राष्ट्रपति के चुनाव में। तीसरे पे लिखा हुआ है सत्येंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार। चौथे पे लिखा हुआ है कुछ भी, मान लो ए बी सी डी, कई सारे लोग तो खड़े होंगे, कोई एक ही नहीं खड़ा होता कि एक ही खड़ा हो गया और एक ही राष्ट्रपति बन गया, कई लोग खड़े होते हैं, जैसे इलेक्शन में कई लोग नामांकन कराते, इसी प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में भी कई लोग नामांकन कराते हैं, लेकिन सब तो नहीं जीतेंगे। समझ में आ रहा है? हम लोग जब वोट करते हैं तो हम एक को चुनते हैं, हमने रामनाथ कोविंद को वोट दे दी, बस काम खत्म। जब हम लोग सामान्य इलेक्शन देते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन देते हैं, ऐसे होता है। हमने बीजेपी को चुनना है हमको, तो कमल का सिंबल है, कमल के सिंबल पे बटन दबाने की बात खत्म। हमको वरीयता नहीं देनी है कि पहले बीजेपी को, बाद में सपा को, फिर बसपा को, फिर कांग्रेस को, ऐसे वरीयता नहीं देते हम लोग। लेकिन यहां पे वरीयता देनी पड़ेगी। पहले पे हमने वरीयता दी किसको? रामनाथ कोविंद को, रामनाथ कोविंद को वरीयता दी। फिर जब ये बैलेट पे, फिर पहले पे रामनाथ कोविंद को वरीयता दी थी नंबर एक पे, फर्स्ट पोजीशन हमने इनको वरीयता दी। हमने दूसरे पे वरीयता दी थी सत्येंद्र कुमार को, सत्येंद्र कुमार दूसरे पे वरीयता दी। ऐसे करके वरीयता देना ही पड़ेगा, जितने भी लोग खड़े सबको वरीयता के हिसाब से रखना पड़ेगा। इसमें जो पहली वरीयता पे सबसे बार ज्यादा बार आएगा, सबसे ज्यादा बार आ गए रामनाथ कोविंद पहली वरीयता पे, तो जीता कौन? रामनाथ कोविंद। आया ना समझ में? इस प्रकार से राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं। आ रहा समझ में? अब आर्टिकल नंबर 56 डाल, ये दोनों शब्द याद रखना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। देखो अनुपातिक है ना, रेशियो में, रेशियो में लोगों को रखा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो गया। और वोट कैसे डालेंगे? सिंगल एकल संक्रमणीय पद्धति से, सिंगल प्रेफरेबल वोट या सिंगल बैलेट पेपर के द्वारा वोट डालेंगे। आराम से समझ में। अब लिखो आर्टिकल नंबर 56। में राष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि का मतलब समय काल, पदावधि का मतलब समय काल किसका? राष्ट्रपति के पद का समय काल, सिंपल शब्दों में राष्ट्रपति के पद का समय काल, राष्ट्रपति पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से, पद धारण करने की तिथि से 5 साल, आ रहा ना समझ में, 5 साल 5 वर्ष तक कहां रहेगा? अपने पद पे रहेगा, ध्यान रहेगा। देखो पद धारण करने की तिथि से, याद रखना पद धारण करने की तिथि से लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्शन में जब खड़े हुए थे उस तिथि से नहीं लिखा हुआ, कई बार कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। हमने देखो बड़े बड़े शब्दों में लिखा है पद धारण करने की तिथि से, जिस दिन उन्होंने पद धारण किया उस दिन से 1-2-3 दिन ऐसे कैलकुलेट होने लगेंगे, और कैलकुलेट होते होते कितने दिन तक? 5 साल तक। 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होगा, समझ में आ रहा है? मान लो 5 साल के पहले ये बीमार हो गए या कोई काम पड़ गया, ये राष्ट्रपति के पद पे नहीं रहना चाहते, तो ये क्या कर दे, क्या कर सकते हैं? इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा सुना है ना,
कहते हैं नौकरी से हमने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, अब नौकरी करने नहीं जाएंगे। लेकिन ये इस्तीफा देंगे किसको, ये आता है क्वेश्चन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, किसको, उप राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। समय का समझ में आ रहा, आज के दिन हम राष्ट्रपति बन गए, आज तिथि ये पद धारण करने की, कल हमारा दिमाग बदल गया, हमको नहीं बनना राष्ट्रपति, तो हम कहां इस्तीफा लेके जाएंगे, उपराष्ट्रपति के पास। इस्तीफा देने के बाद पद से मुक्त हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। और एक प्रकार से ये पद से हट सकते हैं समय काल के दौरान, जब इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में पढ़ाएंगे, महाभियोग को कहते हैं इसमें इंपीचमेंट। केवल राष्ट्रपति पे ही महाभियोग चलता है, कई सारी बुकों में जो लोकल बुक है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी नहीं, कई बार गूगल पे तुमको मिल जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पे भी महाभियोग चलता है, गलत है, उसको हटाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार बार आ जाता है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन सी पे रखा होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पे ही केवल इंडिया में महाभियोग चलाया जाता है। जैसे जब गौतम बुद्ध कोई भी काम करते, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कहा उनको, उनको कहा निर्वाण की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने घर को त्यागा तो ग्रह त्याग नहीं कहा, उसको कहा महाविनिष्क्रमण। उसी प्रकार ये राष्ट्रपति भी बहुत महान है, पूरे राष्ट्र का पति है। तो ये जब हटाया जाता है तो इसको अगर कहेंगे राष्ट्रपति को हटा दिया तो उसकी आलोचना नहीं होगी उसके पद की, कि इतना बड़ा राष्ट्र का पति और हट गया, इसीलिए इसको सम्मान के शब्दों में कहा जाता है, इसका क्या हो गया, महाभियोग हो गया। और अमेरिका में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति का इंपीचमेंट हो गया। और ये इंपीचमेंट, ये महाभियोग हमने अमेरिका से लिया होगा, आया ना समझ में, क्लियर है। आर्टिकल नंबर 56 क्लियर है सभी को, अब डालो आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल नंबर 57 ध्यान से सुनना, 57 में लिखा हुआ है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से समझ में आ रहा है, री इलेक्शन, विवाह होता है फिर पुनर्विवाह होता है, जब किसी कारणवश विवाह टूट जाता है तो एक बार फिर विवाह होता है, उसको क्या बोलते हैं, पुनर्विवाह। और एक बार राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, जीत गया, हो गया उसका विवाह, दोबारा फिर अगर उसको इलेक्शन करना है, खड़े होना है, तो उसको क्या बोलेंगे, पुनर्निर्वाचन, आया ना समझ में, री इलेक्शन। रामनाथ कोविंद एक बार जीते तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्शन कहेंगे, सबका हो रहा है इलेक्शन, लेकिन दोबारा फिर से खड़े हो गए रामनाथ कोविंद तो उनका क्या हो रहा है, री इलेक्शन। आराना समझ में, पुनर्निर्वाचन समझ में आया। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, ध्यान से सुनना, इंग्लिश में कहते हैं एलिजिबिलिटी फॉर, हिंदी में जो समझ में आया तो देखो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, लिख रहा है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, बोले तो जब तक वो मर ना जाए तब तक चुनाव लड़ सकता है, जब तक वो धरती पे है तब तक चुनाव लड़ सकता है, समझ में आ रहा है। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 80 साल तक ही चुनाव लड़ सकता है, 85 साल तक ही चुनाव लड़ सकता है, 90 में जिंदा है 90 में खड़ा हो जाए राष्ट्रपति के चुनाव में,
95 में जिंदा है, 95 एज में खड़ा हो सकता है। मतलब अपने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई समय काल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई एज डिसाइडेड नहीं है। इसीलिए भारत का राष्ट्रपति देख लो, भारत का राष्ट्रपति कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करे, कितनी भी बार इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कितनी भी बार, आराम से समझ में। लेकिन अमेरिका में बदल गया मामला, अमेरिका में राष्ट्रपति केवल अपनी जिंदगी में 2 बार, आराम से समझ में, अमेरिका के राष्ट्रपति केवल अपनी जिंदगी में 2 बार। अभी जॉर्ज बाइडन है ना, अच्छा काम करेंगे, 1 बार और रह सकते हैं, बस काम खत्म। और अपने भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है और प्रधानमंत्री भी कितनी भी बार बन सकता है, जनता जब तक उसको चुने, जब तक उसके शरीर में जान ले, आराम से समझ में, क्लियर है यहां तक। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव जो अमेरिका में होते हैं, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में केवल 2 बार, पूरी जिंदगी में केवल कितनी बार, 2 बार। कितना भी अच्छा काम करें, भगवान न बन जाए अमेरिका के, तब भी केवल 2 बार ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं राष्ट्रपति, आया ना समझ में। लेकिन अपने भारत में कितनी भी बार खड़े हो सकते हैं, फिर से एक बार ध्यान करना अमेरिका के शब्द पे, अमेरिका में राष्ट्रपति अमेरिका का ही नागरिक बनेगा, अमेरिका में राष्ट्रपति मूल नागरिक अमेरिका का। जॉर्ज बाइडन कहां के हैं, अमेरिका के, और वो जो इससे पहले थे वो भी अमेरिका के थे, उससे पहले जो थे वो भी मूल अमेरिका के ही थे, आ रहा समझ में। लेकिन भारत में अमेरिका वाले को राष्ट्रपति बनना है, अगर उसने नागरिकता ले ली भारत की, बन गया भारतीय, तो वो भी खड़ा हो सकता राष्ट्रपति के चुनाव, कोई भी नागरिक, मतलब कोई भी भारतीय डाला है हमने, कोई भी विदेशी नहीं डाला, विदेशी चुनाव नहीं कर सकता, फिर ध्यान रखना, विदेशी अपने भारत में किसी भी पद पे चुनाव नहीं कर सकता, छोटे से लेकर बड़े पद पे वो नहीं कर सकता, भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन भारत के नागरिक बन सकते हो कैसे, पंजीकरण के माध्यम से, कई सारे अमेरिका वाले भारत के नागरिक बन चुके, कई सारे नेपाल वाले भारतीय बन चुके, उन्होंने भारतीय नागरिकता को ले लिया है, तो हो गए ना भारतीय। यहां पे लिखने जा रहे हैं, कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन कई सारी क्राइटेरिया होती राष्ट्रपति बनने में, अरे हमको भी बनना है राष्ट्रपति, 5 लाख रुपए मिलते हैं हर महीने के, कौन नहीं बनना चाहता है राष्ट्रपति, रिक्शा वाला भी बनना चाहता है राष्ट्रपति, हम भी बनना चाहते हैं राष्ट्रपति, तुम भी बनना चाहते हो राष्ट्रपति। लेकिन एज होनी चाहिए 35 के ऊपर, हमारी 35 के ऊपर है तो हम बाहर हो गए ना, हम नहीं लड़ सकते राष्ट्रपति का चुनाव। मान लो कि 35 के हो गए, 36वां साल चल रहा है, तब क्या हम बन सकते हैं राष्ट्रपति। तब फिर दूसरी क्राइटेरिया कि लोकसभा के 50 लोग अनुमोदन करें, लोकसभा किसी भी सदन के, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी के 50 लोग अनुमोदन बोले तो हाथ उठाएं कि हाँ इसको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, और 50 लोग प्रस्ताव करें लिख के कि करण मिश्रा को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होना चाहिए, तब हम नामांकन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, हो गया ना गड़बड़। अभी तो सब लड़ सकते थे राष्ट्रपति का चुनाव। अब डालो आर्टिकल नंबर 58,
आर्टिकल नंबर 58 देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की योग्यता, राष्ट्रपति निर्वाचन, या फिर सरल शब्दों में लिख सकते हो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता। आगे ना वही बात जो अभी रिपीट कर रहे थे, हर इंसान बनना चाहता राष्ट्रपति, कौन नहीं बनना चाहता राष्ट्रपति? देखो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यता, स्टार लगा लो इसमें, राष्ट्रपति का निर्वाचन बोले तो चुनाव, सरल शब्दों में कर दिया वही चीज, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यता। हर इंसान बनना चाहता राष्ट्रपति, पता क्यों बनना चाहता राष्ट्रपति? 5 लाख रुपए पर मंथ, सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन मिलता है, पूरा सचिवालय डिपार्टमेंट मिलता है उसको, सचिवालय डिपार्टमेंट के लिए शायद 1000 करोड़ का फंड मिलता है, जो उसके नीचे कर्मचारी काम करते हैं उनको 1000 करोड़ का फंड मिलता है काम करने के लिए। बोलो कितनी बड़ी बात है, इतनी जबरदस्त फैसिलिटीज होती है ना राष्ट्रपति की, राष्ट्रीय मतलब अपने राज्य का प्रमुख है, गाड़ियां मिलती हैं सरकारी, और इतनी सारी सिक्योरिटी मिलती है ना, जब वो चलते हैं तो चारों तरफ से सिक्योरिटी चलती, थल सेना और जल सेना वायुसेना सबके प्रमुख उसके साथ चलते हैं, ऐसी पोस्ट कौन नहीं चाहता लेना, सब चाहते हैं। लेकिन कठिनाई क्या है, पहली शर्त यह भारत का नागरिक होना चाहिए, अमेरिका वाला भी चाहेगा कि हम बन जाए भारत के राष्ट्रपति, पहली योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, हम हैं भारत के नागरिक, बात खत्म। तो क्या हम राष्ट्रपति बन सकते हैं? नहीं बन सकते। देखो दूसरे में फंस जाएगा मामला, भारत का नागरिक दूसरा होना चाहिए 35 वर्ष से ज्यादा आयु, 35 वर्ष से ज्यादा आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष से ज्यादा आयु होनी चाहिए। हमारी है 35 वर्ष से ज्यादा आयु, नहीं है 35 वर्ष से ज्यादा आयु, इस क्राइटेरिया में फंस गए, नहीं लड़ सकते इलेक्शन। फिर तीसरी योग्यता लिखो, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये सबसे बढ़िया है, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद समझते हो सरकारी नौकरी, अगर सरकारी नौकर हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, सुना होगा कई बार, कई जन कहते हैं हम सरकारी नौकर हैं इलेक्शन कैसे कर सकते, पहले इस्तीफा दो सरकारी नौकरी से फिर इलेक्शन लड़ सकते हो, वो इलेक्शन चाहे जितने लेवल का हो, वो इलेक्शन चाहे छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, समझ रहे हो, चाहे ग्राम पंचायती का हो, अगर तुम सरकारी नौकर हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि तुम किस पे हो, लाभ के पद पे हो, किसी भी लाभ के पद पे। अब देखो लाभ का पद सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, अब इसमें राष्ट्रपति में क्या रख दिया गया है, राष्ट्रपति इसी शब्द में रखा गया है कि विधानसभा का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई विधायक नहीं होना चाहिए, और दूसरा लोकसभा का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई सांसद नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, देखो फंसा दिया यहां पे, सबके टिकट कट गए, एक तो पहले सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए, सारे सरकारी नौकर हट गए, कोई सरकारी नौकर राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, पहले सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा। फिर देखो कैसे फंसा दिया, फिर कहा राज्य विधानसभा का सदस्य बोले तो विधायक नहीं होना चाहिए। लोग कई लोग सोचते ना विधायक बन गए चलो राष्ट्रपति भी बन जाते, फिर देखो दूसरी क्राइटेरिया क्या रख दी कि सांसद, संसद बोलते संसद,
संसद में राज्यसभा भी आती है, संसद में लोकसभा भी आती है। संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, चले गए सारे एमपी, एमपी बोले तो सांसद, हट गए ना सारे सांसद। देखो कौन कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकता, एक तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं है चलो, या फिर सरकारी नौकर है, उसने कहा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सरकारी नौकरी छोड़ देंगे, बैंक की नौकरी छोड़ देंगे, एसएससी सीजीएल छोड़ देंगे, किसी भी पोस्ट पे आईएएस छोड़ देंगे। भाई आईएएस भी तो उसके सामने बेकार है ना, 5 लाख रुपए सैलरी, 5 लाख रुपए सैलरी और सारी फैसिलिटीज सरकारी, मोबाइल का रिचार्ज भी ना सरकारी, गाड़ी भी पेट्रोल भी सारी सेवाएं सरकारी मिलती है, 5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं। जब ये टपक जाते हैं ना राष्ट्रपति, तो उनकी फैमिली को 2.5 लाख रुपए मिलते है, जबरदस्त नहीं है पोस्ट, 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे फैमिली को, प्लस जो उनका उनके जो नौकर चाकर होंगे उनको अलग से पैसे मिलेंगे, बन गई ना लाइफ, ऐसी लाइफ कौन नहीं चाहता है। तभी सबको देखो निपटा दिया, किसको निपटाया, लाभ के पद को डाल के सरकारी नौकर को निपटा दिया, कोई भी सरकारी नौकर नहीं भर सकता। और बताया लाभ का पद ये भी है, लाभ का है ये भी तो है, उसने बोला सरकारी लाभ का पद सरकारी नौकरी, और ये तो खुद सरकार, विधायक तो खुद सरकार होता है ना, यही विधायक का मुखिया बनता है चीफ मिनिस्टर। इन्होंने पूछा हम क्या खड़े हो सकते, कहा बेवकूफ हो क्या तुम, हमने कहा लाभ का पद बोले तो सरकारी नौकरी हो, तुम तो खुद सरकार, तुम कैसे खड़े हो सकते हो राष्ट्रपति के चुनाव में। सारे विधायक कट गए, सारे सांसद कट गए, राज्यसभा के सारे सदस्य कट गए, अब जो बचा वो बचा कौन, आम इंसान बचा। एक आम इंसान जिसका कनेक्शन कहां पे है, लोकसभा में है, वो खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति के। देखो कितना जटिल है राष्ट्रपति का चुनाव, इसीलिए सबके बस का नहीं है राष्ट्रपति का चुनाव, कई जन तो खड़े हो जाते हैं निर्दलीय, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे खड़े हो जाओगे निर्दलीय, यहां पे तुम तो, तुमको कौन चाहिए, 50 अभी चाहिए, कौन 50 चाहिए लोकसभा के, लोकसभा 50, लोकसभा राज्यसभा दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से 50-50, 50 चाहे जहां से लेके आओ, 50 जहां से लेके आओ या यहां से लेके आओ, 50 लोग हाथ उठा के कहें हाँ ये खड़ा होगा, और 50 लोग लिख के दे, ये जो हाथ उठाएंगे ये लिख नहीं सकते, समझ में आ रहा है, ये जो हाथ उठा के कहेंगे हाँ ये खड़ा हो सकता है, ये लिख के नहीं दे सकते, इनके नो इनको लिख लिया जाएगा इन्होंने हाथ उठाया, ये 50 अलग होंगे जो लिख के देंगे, 100 लोग पकड़ के लाने पड़ेंगे, कहां से, राज्यसभा और लोकसभा से, तो आम इंसान जा पाएगा, रिक्शा चलाने वाला लोकसभा को क्या जाने, लोकसभा के सदस्य बोले तो सांसद, सांसद जब चलता है तो धूल उड़ती है, अरे स्कॉर्पियो वगैरह निकलती है, फॉर्च्यूनर, उनसे वो रिक्शा वाला कैसे उनसे संपर्क कर पाएगा, बोले तो मोटी पार्टी वाला ही खड़ा होगा राष्ट्रपति में, आम इंसान प्लस जान परिचय वाला इंसान, जिसे सांसद लोग जानते हैं, जिसे राज्यसभा के सदस्य जानते हैं, वो आएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। अब आया ना समझ में कितना होता है कठिन, सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, भारत का नागरिक हम भी तो है भारत के नागरिक, 35 साल की उम्र कोई भी बूढ़ा हो कह देता, अर्ध बूढ़ा 35 साल की उम्र वाला कह देता हम खड़े हो जाएंगे परसों, होने तो चुनाव, फिर देखो यहाँ पे क्या फंसा दिया, सरकारी नौकर हटे, लोकसभा के जितने भी हैं सांसद, राज्य विधानसभा के जितने भी विधायक सब हट गए ना, राज्यसभा के सदस्य हट गए, आप बताओ जितने भी बचे वो खड़े होंगे, और उनमें भी क्राइटेरिया देखो, उनमें भी 50 लेके आओ एक जगह से, 50 लेके आओ, 50 लोग हाथ खड़े होके भागते हुए हाँ 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 ये खड़ा होगा, और 50 लोग लिख के दे हाँ ये कैंडिडेट खड़ा होगा, आ रहा समझ में, इतना कठिन है चुनाव, इससे ज्यादा सरल तो हम लोगों के वहां चुनाव होते होते ना, कोई भी निर्दलीय खड़ा हो जाता है, 5,000-10,000 रुपए नामांकन में भर दिया, बकरी उकड़ी बेच के खड़े हो गए चेयरमैन हो जाता है ना, अरे इच्छा है उनकी बचपन से इलेक्शन लड़ने की, जिंदगी में कभी घर के बाहर नहीं निकले, कभी सामाजिक व्यक्तित्व नहीं रखे,
लड़ने की इच्छा है, बस नामांकन कर दिया, निर्दलीय को सिंबल मिल गया, मार्कर सिंबल है, और खड़े हुए। कई जन खड़े देखा होगा वहां पे, ये क्राइटेरिया होती तो क्या खड़े हो पाते? हो गया ना, सबसे है गुप्त चुनाव, लेकिन सबसे कठिन चुनाव है, बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए इसमें, तब लड़ पाओगे चुनाव। डालो आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल नंबर 59। लाभ का पद मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं सुना है, कई बार देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है पीवीटी लिखा होता है ना, प्राइवेट, और फिर एलटीटी लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड। वैसी भी कंपनी में वो इंसान नहीं होना चाहिए, हर जगह से, मतलब उनका कहने का मतलब है एकदम हर जगह से उसका पत्ता कटा हो, वो इंसान राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आर्टिकल नंबर 59। अब ऐसा इंसान और पकड़ इतनी ज्यादा, सोचो वो कैसा इंसान होगा, एक तो वो चाहते हैं आम इंसान, और दूसरा पकड़ देख लो कितनी भयंकर होनी चाहिए, 50-100 सदस्य लाने चाहिए संसद से। आर्टिकल नंबर 59 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, ये भी हो गया इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, क्या जबरदस्त आर्टिकल है, देखो लिखना राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें वो लिखना, एक एक पॉइंट में। पहला लिखो वह संसद को किसी भी सदन, वो संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखो यहां पे शर्त रख दी, वही जो हमने अभी बताई वैसी ही है ये शर्त, ठीक है। देखो यहां पे राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है, हर इंसान राष्ट्रपति चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता, शर्तें रखी है, शर्तें कठिन है, देखो कैसी शर्तें। पहले कहते हैं किसी भी सदन, सदन का सदस्य, सदन समझते हो, सदन बोलते हैं संसद, संसद में सदन लगती है, एक तो सदन लगती लोकसभा की और एक लगती किसकी, राज्यसभा की, तो मगर ऐसे संसद डाल दे तो और भी है। देखो संसद का सदस्य, ध्यान से सुनना, संसद का सदस्य, दोनों की बात कर ली, किसकी किसकी, लोकसभा और राज्यसभा, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्रॉस कर दिया, हट गए सारे सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं खड़े हो सकते राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा देखो, राज्य विधान सभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए, हट गए सारे विधायक, कट गए सारे विधायक, कोई भी विधायक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, यहां तक क्लियर है, आए ना समझ में, क्लियर है यहां तक। फिर लिखो वह कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, वही बातें रिपीट की, वह कोई भी लाभ के पद पे, ब्रैकेट में डाले सरकारी नौकरी, फिर वो चाहे चपरासी क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि चपरासी ये बोले तो बहुत छोटी पोस्ट पे लड़ जाए राष्ट्रपति का चुनाव, नहीं, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, मतलब वो सरकार से पैसा डायरेक्ट ना पाता हो, समझ रहे हो, लाभ का पद,
नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, प्राइवेट भी तो नौकरी करते हैं, पैसा कौन नहीं कमाता है, लाभ कौन नहीं कमाता है, कोई बिना लाभ का है? लाभ कमाते, लेकिन लाभ कमाने का नजरिया होता ना, कई लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होते हो, गवर्नमेंट से पैसा पाते हैं, उसको कहते हैं लाभकारी आदमी, हो गया ना क्लियर? एक कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, जो उसको लिमिटेड करता है वो गवर्नमेंट करती है लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी को सब्सिडी मिलती, आ गया ना गवर्नमेंट का पैसा, वैसा पैसा अगर पा रहे तो भी लाभ के पद में, सरकार से डायरेक्ट पैसा पा रहे, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, लेखपाल हो या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो या फिर तुम आईएएस हो, अगर तुम सरकार से पैसा पा रहे हो तो तुम लाभकारी हो, लाभकारी बोले तो लाभ के पथ पे हो, ऐसा इंसान नहीं चाहिए उनको, ठीक है? जो प्राइवेट कंपनियों में, कई सारी प्राइवेट कंपनियों में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी लिखा होता है, वो जो एलटीडी लिखा हुआ है वो सरकार से जुड़ी हुई कंपनी है, सरकार सब्सिडी देती, उस सब्सिडी का पैसा पा जाएगा ना वो नौकर जो उसमें काम कर रहा, ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी वाला नहीं चाहिए, पीवीटी एलटीडी में अगर काम कर रहा ऐसा इंसान नहीं चाहिए, या तो वो बिजनेस करता हो, खुद ही व्यापार करता हो, वो गवर्नमेंट का पैसा खा रहा है, खुद व्यापार कर रहा, ऐसा व्यक्ति चाहिए, लेबरी करता हो ऐसा व्यक्ति चाहिए, प्राइवेट नौकरी करता हो ऐसा व्यक्ति चाहिए, वो सरकार का पैसा नहीं पा रहे हैं, वो मुनीम का पैसा पा रहे हैं, वो दुकानदार का पैसा पा रहे हैं, वो अपने हाथ की कमाई, वो मेहनत से कमा रहे हैं, वैसा व्यक्ति चाहिए राष्ट्रपति इनको, इनको बैठ के खाने वाला नहीं चाहिए, लाभ के पद वाला नहीं चाहिए, आया समझ में लाभ का पद क्या होता है? ठीक है, ये शर्तें रख दी, नोट डाउन करो, सारे पॉइंट लिखे, क्लियर है सारे पॉइंट? फिर लिखो, अब देखो शर्त क्या रखी, दूसरी शर्त कितनी हो गई, एक दो तीन, चौथी शर्त देखो, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन उम्मीदवार जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति नामांकन, तो कई बार सुना होगा अपने जीवन में नामांकन, नामांकन का शब्द पता क्या है, नाम का अंकन, कई बार कहते हैं ना लिस्ट में हमारा नाम चढ़ा लो, वो नामांकन है, कई बार स्कूल में नहीं सुना हमारी अटेंडेंस लगा लो, वो भी एक प्रकार का नामांकन है, जब लिस्ट में नाम चढ़ाया जाता है उसको नामांकन बोलते हैं, जो व्यक्ति लिस्ट में नाम चढ़वाने गया है, सिंपल शब्दों में जो व्यक्ति लिस्ट में नाम चढ़वाने गया है, उस व्यक्ति को पहले, वो जो व्यक्ति गया है ना, उस व्यक्ति को पहले, मतलब ऐसा व्यक्ति नाम चढ़वाने गया है जिसको 50 लोगों ने, 50 लोग मतलब संसद के राज्यसभा या लोकसभा से 50 लोग दौड़ के आए हैं, कहते हैं हाँ ये लड़ेगा चुनाव, और 50 लोगों ने लिखित दिया है हाँ ये लड़ेगा चुनाव, उसका नाम का अंकन होगा। अब आया समझ में, टफ था सब, अब सरल हुआ है, लिखा हुआ है जो व्यक्ति नामांकन में आया है, नामांकन कराने आया है, उस व्यक्ति को 50 लोग अनुमोदन करें कहीं से भी, लोकसभा या फिर राज्यसभा, कहीं से भी उसका अनुमोदन हुआ हो, नहीं समझ में आ रहा फिर से लिख देते, देखो एक बार फिर से रिपीट कर रही है, वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवारों के कम से कम, आगे ना वही बात, कम से कम 50 अनुमोदन होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, आगे वही बात, कठिन है शब्द, हम जैसे लिख रहे हैं वो सिंपल शब्द है, जो व्यक्ति नामांकन करवाने आया है, जो व्यक्ति नामांकन करवाने आया है, जब नामांकन करवाने जाओगे ना
तब पूछेंगे तुमसे या फिर जाओगे ही नहीं, क्योंकि 50 लोगों ने तो अनुमोदन नहीं किया तो जाओगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति अनुमोदन करवाने आया है उसको उसको संसद के 50 लोग अनुमोदन करते हूं और 50 लोग प्रस्ताव भी कैसा लिखित प्रस्ताव करते हूं। ऐसा व्यक्ति ही नामांकन करवा सकता है, ऐसा व्यक्ति ही नामांकन करवा सकता है। ठीक, ऐसा व्यक्ति है, मिल गया ऐसा व्यक्ति जिसको 50 लोगों ने कहा है, 50 लोगों ने लिख के दिया है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में 15,000 रुपए राशि जमा करनी पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं? कई बार सुना नहीं है कि तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, इसे बोलते हैं जमानत। कई सारे इलेक्शन में, बड़ा इलेक्शन है ना तो 15,000 राशि, छोटे छोटे इलेक्शन में 2,500-3,000-5,000 राशि पड़ती है, इसीलिए निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। नहीं सही 5,000 रुपए, कोई बात नहीं, जिंदगी में इतना कमाया, 5,000 रुपए में कार्ड पे तो नाम आ जाएगा, लोग तो जानेंगे यहाँ चेयरमैन ही के पद पे खड़ा है, 5,000 ही तो जा रहे हैं। कितने जमा कराते राष्ट्रपति से? राष्ट्रपति को आरबीआई में 15,000 रुपए की राशि जमानत के तौर पे जमा करनी होगी। मान लो 15,000 रुपए ही नहीं हुए उसके पास, भाई लोगों ने तो कह दिया हाँ आएंगे इतने लोग, एक 15,000 रुपए नहीं निकले तब क्या उसका नाम लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है यहां तक? आर्टिकल नंबर 59 इंपॉर्टेंट है, इन शब्दों से कई बार क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट 59 नहीं पूछेगा, शब्दों से निकालने। ठीक है, नोट डाउन करना।